हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं अगले 12 घंटे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं और इस रिश्ते के बारे में क्या कुछ सोचने वाले हैं। अगले 12 घंटे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, क्या कुछ चलने वाला है इस पर्सन के दिल में दिमाग में, और अगले 12 घंटे ये पर्सन किस एनर्जी में रहने वाले हैं। ओके व्यूवर्स, तो यही सब देखने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 10 ऑफ वांड्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं 9 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वांड्स और साइन है एयर साइन कुंभ मिथुन तुला एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा एंड फायर साइन मेष सिंह धनु एरिज लियो सजिटेरियस। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं या फिर हो भी सकता है कि अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बने हुए हैं अपने पार्टनर के साथ में तो ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर लें, आपको कॉल कर लें, मैसेजेस कर लें, ऐसी संभावनाएं भी यहां पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि इन डेट्स में, इन मंथ्स में ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर लें या फिर हो सकता है अगले 12 घंटे के अंदर अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर लें, ऐसा भी हो सकता है। सो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा इन डेट्स में, इन मंथ्स में हो सकता है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा है। ओके, और एक बात, ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल और कलेक्टिव लेवल पर है, इसीलिए सभी के साथ में रेजोनेट करे ये पॉसिबल नहीं है। जो पार्ट भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर लें, बाकी किसी और के साथ में रेजोनेट कर सकता है। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग भी है, जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे आपकी सिचुएशन से मैच कर सकती है। ओके, ये तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, अगले 12 घंटे जो बहुत बड़ी न्यूज़ आती हुई यहाँ नज़र आ रही है वो यही है कि आपका पर्सन हर बाधा को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी इस पर्सन पर बर्डन है उन सारे ही बर्डन को उतारता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक इस पर्सन को ऐसा लग रहा था इस पर्सन पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनकी फैमिली की, इनकी खुद की, और जिनके बोझ तले ये पर्सन दबा चला जा रहा था, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही थी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि ये पर्सन निभाने की पूरी कोशिश कर रहे थे बट यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक इस पर्सन से हो ही रही थी, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना थका हुआ, हारा हुआ सा महसूस कर रहे थे। बट अगले 12 घंटे इस पर्सन में कुछ ऊर्जा आती हुई नज़र आ रही है, कुछ हिम्मत, कुछ करेज मैं देख पा रही हूँ। अगले 12 घंटे इस पर्सन को ऐसा भी फील होगा कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा सकते हैं, क्योंकि पहले इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि पहले ही ये पर्सन इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ तले दबा हुआ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे निभाएगा या फिर आप इस पर्सन से जो एक्सपेक्ट करते हैं ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा कैसे उतर पाएंगे, तो ये इस चीज़ का बर्डन काफ़ी ले रहे थे। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये पर्सन ना अभी फ्री रहना चाहता है, इसको फ्री होना है और इस पर्सन पर जितनी भी जिम्मेदारियां हैं पहले ये उनको निभा ले, उनको पूरा कर ले, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इस पर्सन की अपनी फैमिली थी, तो ये अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने में लगे हुए थे और उन्हीं में जैसे कि ना इस रिलेशनशिप को भी भूलते जा रहे थे। तो यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से अगर आपको कुछ इग्नोरेंस मिल रही थी, कुछ दूरियाँ आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रही थी, तो ये पर्सन की इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से थी, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे थे कि ये पर्सन आपको धोखा नहीं देंगे, कभी भी आपके साथ में कुछ गलत नहीं होने देंगे, कभी भी चीटिंग नहीं करेंगे, जो भी बात है क्लियर आपको बताएंगे। और हो सकता है इस पर्सन ने आपसे क्लियर कम्युनिकेशन पहले किया भी हो और उसके बाद ही इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है, नो कॉन्टैक्ट बना। पर अब ये पर्सन ना अगले 12 घंटे ये कोशिश करेंगे कि ये खुद ही इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को तोड़ दें। तो यहाँ पर ये पर्सन की तरफ से ही आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं, बहुत सारी संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस पर्सन में कुछ करेज आया है, कुछ हिम्मत आई है, कुछ आगे बढ़कर करने का जज्बा इस पर्सन में मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ वांड्स है, तो इस वक्त ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अकेलापन और लोनलीनेस फील कर रहे हैं। इस पर्सन को आपके साथ की, आपके सपोर्ट की नीड है, तो इस पर्सन को इस वक्त आपकी बहुत ज़रूरत है, ऐसा ही इस पर्सन को फील हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका साथ मिलेगा तो ये इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभा सकेंगे।
ये पर्सन अब तक आपको एक बोझ समझ रहे थे ना, बट अब इस रिश्ते को और आपको बोझ नहीं समझेंगे। अगले 12 घंटे ये जो पॉजिटिविटी इस पर्सन में आएगी वो इसीलिए आएगी क्योंकि अब इस पर्सन को आपका साथ ज़रूरी लगने लगेगा और ये पर्सन कुछ एफर्ट्स डालने के बारे में भी सोचेगा। अब तक जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में होता रहा था, इस पर्सन ने इतनी ज़्यादा डीप थिंकिंग नहीं की थी, डीप में जाकर नहीं सोचा था इस पर्सन ने आपको, इस रिलेशनशिप को लेकर। बट अब अगले 12 घंटे ये बदलाव इस पर्सन के जीवन में आएगा और आपकी तरफ ये गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है कि ये पर्सन खुद ही आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना देख रहे हैं 9 ऑफ वांड्स के साथ साथ हमारे पास 10 ऑफ सोर्स आया है। तो किस बुरी तरह से ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे कि इस पर्सन में कुछ ऊर्जा ही नहीं बची है। आपके जाने से इस पर्सन की ज़िंदगी में तो और भी ज़्यादा इस पर्सन पर बर्डन आ गया है। पहले ये पर्सन अपना दुख और दर्द आपसे बांट लिया करते थे, बट अब इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसे सच्चे दोस्त की कमी हो गई है जिसका होना इस पर्सन के लिए ज़रूरी बन गया है। तो अगले 12 घंटे ये पर्सन इसके बारे में काफ़ी सोच विचार करेंगे और इस पर्सन के दिमाग में ये थॉट भी आने वाला है कि अब इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी की सारी बाधाओं को पार करना है, आपकी तरफ कदम बढ़ाना है। तो देख रहे ना, यहाँ पर 7 ऑफ वांड्स भी आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो कार्ड आया है वो 10 ऑफ वांड्स का है। तो ये पर्सन अब आपकी और अपनी जो भी फैमिली की नीड्स हैं उन दोनों को ही पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं और आप दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने का सोच रहे हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब जैसे कि ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस पर्सन के ऊपर थी और एक आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर्सन पर आएगी, तो इस पर्सन को अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतना बोझ नहीं लगेंगी, आपका साथ मिलेगा, तो आप दोनों मिलकर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सकेंगे। ऐसा ये पर्सन अगले 12 घंटे फील करने वाले हैं और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है कि इस पर्सन ने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि इस पर्सन को आपका साथ चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ये सोच लिया है, ये ठान लिया है कि अब आप दोनों के बीच, आप दोनों के मिलन के रास्ते में जो भी रुकावटें आएंगी इन्हें ये पार ही कर लेंगे। तो अब ये बर्डन जो अब तक लेते रहे थे ना कि क्या होगा इस रिलेशनशिप का, कैसे ही निभा पाएंगे इस रिलेशनशिप को, अब ये सारे ही बर्डन इस पर्सन ने उतार फेंके हैं और अगले 12 घंटे ये काफ़ी ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे पर्सन। ओके व्यूअर्स, तो देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है कि अब आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको खुद आगे बढ़कर इस पर्सन को कांटेक्ट कर लेना चाहिए या फिर इस पर्सन के ही कांटेक्ट करने का इंतज़ार करना चाहिए, इस पर्सन के ही कॉल मैसेजेस का इंतज़ार करना चाहिए। निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी सोच कर देख सकते हैं इन एंजल्स आंसर को। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट एंजल आंसर आया है कॉम्प्रोमाइज़। तो आप किसी दुविधा में हैं तो यहाँ पर आप उस दुविधा को दूर करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें। और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो आपका पर्सन आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कॉल मैसेज कर सकता है, ये पर्सन रिटर्न आ सकते हैं, आप रीयूनाइट इस पर्सन के साथ में हो सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आया है रिमेन पॉजिटिव। तो अगर आप इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, इस रिश्ते में अगर इस पर्सन के आने का वेट कर रहे हैं कि ये फिर से रिश्ता पहले की तरह सही होगा, तो आप पॉजिटिव बने रहें, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा आपके जीवन में। इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है, आपका पर्सन इस रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स डालने की सोच तो रहा है और अगले 12 घंटे इसके बारे में काफ़ी सोच विचार भी करने वाला है ये पर्सन। तो आपको तब तक ना पॉजिटिव रहना है, आपको होप्स नहीं हारनी है ना इस रिलेशनशिप पे और ना ही अपने जीवन में आपको होप्स हारनी है, आपको होप्स बनाकर चलना है। अगर आप चाहें तो इस पर्सन के साथ में भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो किसी अदर पर्सन के साथ में भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं हम सभी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और आप भी चाहें तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में सोचकर आपने ये एंजल्स आंसर देखे थे, तो यहाँ पर उस सवाल का जवाब भी यही है कि आपको पॉजिटिव रहना है और जो भी मुश्किल वक्त इस वक्त चल रहा है वो आपका विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो भी काम है, जो भी बिगड़े हुए काम है, वो भी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, होप्स नहीं हारनी है, आपको जहाँ कहीं ऐसा लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए तो वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ के बिना पर आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो भी आपके बिगड़े काम हैं वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं कि
अगले 12 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये पर्सन किसी ना किसी डिसीज़न पर पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी और इस रिश्ते की जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश करेंगे। अपने ऊपर से बर्डन उतारते हुए नज़र भी आ रहे हैं ये पर्सन। ओके व्यूवर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, कुछ क्लैरिटी मिली है आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।